स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों 24 कैरेट सोने का भाव, 22 कैरेट सोने का भाव, 18 कैरेट सोने का भाव और साथ ही साथ चांदी का आज का भाव क्या है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अब अगर आप लोग हर रोज़ सोने के ताज़ा भाव से जुड़ी अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग आभूषण बनवाना चाहते हैं उनसे रिलेटेड भी काफ़ी कुछ जानकारी हमारे इस चैनल पर रहेगी, तो आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक हमारे इस वीडियो को दे दीजिए ताकि आपको हमें वीडियो डिलीवर करने में कोई परेशानी ना आए और हमारा हौसला बना रहे। अब बात कर लेते हैं चांदी के भाव की। 1 ग्राम चांदी आपको पड़ेगी 64.83 रुपये की, 8 ग्राम पड़ेगी 518 रुपये की, 10 ग्राम पड़ेगी 648 रुपये की, 100 ग्राम चांदी आज आपको पड़ेगी 6483 रुपये की और 1 किलो चांदी आपको पड़ेगी 64834 रुपये की। ये चांदी का आज का भाव है। कल के भाव से थोड़ा सा कह लीजिए ऊपर नीचे है, बाकी भाव जो है एक जैसा ही है। पिछले एक हफ्ते से सोने और चांदी के भाव में काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। कल थोड़ा सोने संभला था लेकिन आज फिर से थोड़ा गिरावट में है। 18 कैरेट गोल्ड का भाव बात कर लेते हैं। 18 कैरेट गोल्ड का भाव आज है 38,383 रुपये। 22 कैरेट गोल्ड की बात कर लेते हैं। आज 22 कैरेट गोल्ड आपको 1 ग्राम 4,687 रुपये का, 8 ग्राम 37,496 रुपये का, 10 ग्राम 46,878 रुपये का और 100 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड आपको 4,68,780 रुपये का मिलेगा। तो दोस्तों जो आभूषण बनते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड के बनते हैं। ये जो रेट्स हैं वो रॉ गोल्ड के रेट्स हैं, यानी जब आप आभूषण बनवाने जाएंगे तो आपको GST और VAT वगैरह और साथ ही साथ मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जिससे इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा आपको पड़ेगा। अब बात करें 24 कैरेट गोल्ड की। 24 कैरेट गोल्ड का आज का भाव, 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 5,117 रुपये, 8 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 40,936 रुपये, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 51,170 रुपये और साथ ही साथ 100 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड आपको मिलेगा 5,11,770 रुपये। जब आप गोल्ड खरीदेंगे तो आपको GST और VAT लगाकर थोड़ा सा इसका फर्क पड़ेगा, 3% GST लगता है। अगर आप आभूषण बनवाएंगे तो उसमें भी आपको मेकिंग चार्ज लगा के थोड़ा सा महंगा 10 ग्राम पर जो सोना है वो पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी अपडेट्स के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।